इसी पर एक कमेंट चाहूंगा डॉक्टर भगवान मैत्री साहब, जो लोग कोविड से रिकवर कर चुके हैं या असिम्टोमेटिक हैं, उनके ऑक्सीजन लेवल 95, 96, 97 आते हैं अमूमन, हर व्यक्ति के पास इस वक्त ऑक्सीमीटर है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और लोग लगातार इसको अपना सैचुरेशन चेक भी करते हैं, लेकिन अगर उनको देखना हो कि हैप्पी हाइपोक्सीमिया की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीज है, प्रिकॉशंस क्या क्या है, क्या क्या चेक्स हैं, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, और कब पता चलता है कि हाँ कंफर्म होता है कि हाँ आपको हैप्पी हाइपोक्सीमिया हो गया? हैप्पी हाइपोक्सीमिया, हैप्पी हाइपोक्सिया जो टर्म है, ये टर्म पोस्ट कोविड रिकवरी पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये जो टर्म है ये पेशेंट्स की अक्यूट स्टेज के लिए है। जैसे मैंने अभी बताया, इनिशियल के 5-7 दिन में ऑक्सीजन अमूमन इतना कम नहीं होता, 7वें-8वें दिन के बाद, 6वें-7वें दिन के बाद पेशेंट्स का ऑक्सीजन कम होने लगता है, कुछ केसेस में इनिशियल स्टेजेस में भी कम हो जाता है, बट हम नॉर्मली जब भी किसी को कोरोना पता चलता है, हम बोलते हैं कि आप अपना ऑक्सीजन पहले ही दिन हर 6 घंटे में, हर 4 घंटे में अपना ऑक्सीजन देखते रहिए। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब सिंपली यही है कि पेशेंट को फील नहीं हो रहा है कि वो हाइपोक्सिक है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे हमारा तो ऑक्सीजन लेवल 85 आ रहा है, 80% आ रहा है, लेकिन पेशेंट को नहीं पता चलता है। और ये टर्म इवन मैं एक्सटेंड करूंगा हमारे आईसीयू के पेशेंट्स को भी, जहां पे हम 15 लीटर का ऑक्सीजन पेशेंट को लगा रहे हैं और चेक करते हैं कि 15 लीटर ऑक्सीजन के बाद भी उसका सेचुरेशन, उसका ऑक्सीजन 85 आ रहा है, लेकिन फिर भी उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना खाना खा रहा है, अपना सारा काम कर रहा है, तो पेशेंट्स के रिलेटिव को ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनके शरीर में बहुत भारी प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की बहुत मात्रा की बहुत कमी है, लेकिन वो चेक करने से पता चलेगा। तो अब इसको मैं आगे पोस्ट कोविड रिकवरी वालों के लिए बोलना चाहूंगा कि इनिशियल के अगर हम 14 दिन छोड़ दें, फर्स्ट डे सिम्टम से हम ये काउंट कर रहे हैं, इनिशियल के 14 दिन छोड़ दें, तो 14 दिन के बाद इस तरह का ऑक्सीजन कम होना अमूमन नहीं होता है, ये बात अलग है। अगर 8वें-9वें दिन अगर ऑक्सीजन की कमी शुरू हुई तो वो शायद 14 दिन तक हो सकती है, लेकिन अगर 14 दिन तक ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है तो फिर ऑक्सीजन की कमी होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि 1 हफ्ते तक फिर भी आप दिन में एक बार ऑक्सीजन अपना चेक करते रहो। अगर ऑक्सीजन चेक करने के बाद रिकवरी वाले पेशेंट में इवन कट ऑफ खोलूंगा आपको कि 92% के ऊपर है, 94 की जगह 92% के ऊपर है, तो भी ठीक, क्योंकि वो रिकवरी फेज में है। एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो धीरे 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 करके रिकवर होता है, तो अगर 2 हफ्ते के बाद उसका सेचुरेशन 92% आ रहा है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अपना चेक करते रहें, और उनके लिए कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि 92% से नीचे जाता है तो फिर एक बार आप कंसल्ट करिए। और अगेन मैं यही बोलूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डॉक्टर से बात करिए, ही विल सॉर्ट इट आउट करना, ठीक है। इनिशियल के 14 दिन तक अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है तो हैप्पी हाइपोक्सिया का होने का चांसेस 14 दिनों के बाद बिल्कुल होने के बराबर है, ठीक है। मैं क्योंकि सारा जो आप कह सकते हैं ये पूरा चक्रव्यूह है।